आपकी एक मशहूर रिंग रिंग, रिंग 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 दिखाइएगा ये बहुत मशहूर है जब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ हाँ, नादिर, नादिर भाई पहली दफा मुझसे मिले थे बहुत टाइम हो गया उसको हाँ, दो तीन उन्होंने पहली बात ही ये बोली थी हाँ, कि यार ये रिंग तुम्हारी बड़ी मशहूर है हमारे ऑफिस में एक लड़का पहनता है वो तुम्हें देख के ही पहनता है तो वो पहली मेरी इंटरेक्शन थी नादिर भाई बल्कि मैंने कहा था आपसे बेच रहे हो गया हाँ कोई वाकिया कोई टूट गया हो कैमरा या कोई ऐसा आपने देखा होगा ब्लॉगर्स के पास एक ट्राईपॉड होता है जो किसी भी डायरेक्शन में बैंड हो जाता जी है जी, वो मेरे पास था और वो मैंने चेंज किया था तो नया वाला जो था उसके ऊपर कैमरा लगाने का मैकेनिज्म में स्क्रू था पिछले वाला क्लिक होके लगता था तो मुझे याद नहीं था तो मैं गवादर में एक कश्ती से दूसरी में जा रहा था कैमरा मैंने लगाया एक कश्ती से दूसरी में कदम रखा कैमरा यूं हुआ वो गया गवादर पोर्ट के अंदर नहीं करे पानी में हाँ कैमरा लेंस सब गया कैमरा लेंस माइक सब सिर्फ हाथ में ट्राइपोर्ट, ट्राइपोर्ट, तो है। ट्राइपोर्ट कहां आपकी ऑडियंस ज्यादा मतलब पाइप है या क्या है <laughs> <laughs> मतलब <laughs> हमारी तो असल मेंसेंट पाइप है एक दफा मैं लाहौर में लाहौर एक्सपो सेंटर में मैंने अपना ड्रोन मार दिया था एक्सपो सेंटर की दीवार में वो इतना महंगा ड्रोन नहीं था वीडियो भी स्पॉन्सर्ड थी तो मैंने बोला चलो एक प्रोडक्शन कॉस्ट के तौर पे इसको कंसीडर कर लेंगे लेकिन एक मुझे भी वाकया ड्रोन से याद आ रहा है जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तो मैं एक टॉय शॉप में सेल्समैन था जी तो ड्रोन छोटे होते ना टॉय ग्रेड हालांकि मेरा सेट भी साथ ही खड़ा हुआ था हाँ। उन्होंने कस्टमर को कहा कि कस्टमर को दिखाओ ड्रोन उड़ा के तो मैंने उसकी शलवार के अंदर से साइड से और यू पीछे से वो बोल रहा है भाई ये क्या कर कर मैंने कहा आई एम सॉरी मेरे को चलाना नहीं आता ये शलवार के अंदर मैंने नहीं किया आप यूट्यूबर होने पे फखर है अस्सलाम वालेकुम आज इसका मतलब तीनों हजरात मैं हूं नाजिर अली रेडी स्टडी एंड गो छा रहा है बहुत वो यूट्यूबर में मशहूर है जो इरफान जुनेद जो इरफान अस्सलाम वालेकुम जी बेजो असल वरम्ह वरक सलाम राधे भाई बहुत शुक्रिया मुझे इधर बुलाने का मैं सबसे सब ज्यादा एक्साइटेड इस बात पे था कि ये शेर मेरे बारे में क्या कहा जाए <laughs> <laughs> लेकिन आपको अच्छा लगा जी जी बहुत अच्छा लगा कैसे हैं आप ठीक ठाक ठीक ठाक हो आप कैसे मुबारक हो आपको बहुत बहुत आपके बेटे की विलादत के बाद आई थी आपकी पहली दूसरी पॉडकास्ट जी जी बिल्कुल 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 ऐसा ही है और इरफान आप यकीन करें आप उनमें से हैं जो जब से मैंने पॉडकास्ट शुरू की तब मैं चाहता था कि आप आए लेकिन आप टाइम ही नहीं दे रहे थे अरे भाई पहली दफ़ा <laughs> पहली दफ़ा बोला आपने एक मैसेज पहली दफ़ा में आपने लबा कह दिया जी मैं इम्प्रेस हुआ थैंक यू मैं इम्प्रेस हुआ।, हुआ मैं समझता हूँ कि आप हम यूट्यूबर्स का फखर है और आपको देखते हैं हम गाड़ियों में अक्सर जाते हैं आपके बिल बोर्ड्स होर्डिंग्स वगैरह देखते हैं ना तो उसमें नहीं आप नहीं हमें खुद अपने आप को नज़र आता है वो कि हमें शायद है, अरे नादिर भाई ये आपका बड़प्पन है आप खुद थोड़ा हम्बल बन रहे हैं लेकिन मुझे मैं खुद बड़ा हैरान हूँ क्योंकि वो बिल उतर जाना चाहिए था अब तक कोई तीन चार महीने, नहीं, वो महीने हो हो रही हैं, अब बारिश अच्छा लगता है तो अब तो मुझे भी दुख हो जब आ, ना उस जगह का नाम मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे बोल बोल के जुनेजो क्रॉसिंग है अच्छा वो जुनेजो क्रॉसिंग है मुझे जब टैग करते ना लोग तो मैं मुझे पता चला आपका वही चलान हुआ है? आप तेजी में निकल रहे थे आप कहीं जा रहे थे लेकिन आपका नजर वही थी बोर्ड पे इरफान कैप 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 आप आप में में रेगुलर रूटीन आपको कैप, मैं देखता हूं कैप के बहुत शौकीन हैं तो ये क्या है कैप से कोई खास एक लगाव है या कोई मामला पीछे या नवाज <laughs> तो शरीफ वाला मामला है या क्या है कैप का सीन ऐसे शुरू हुआ था कि जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू की तो उस वक्त मेरे फ्लिप स्क्रीन नहीं होती थी तो आपको नजर नहीं आ रहा कि आप रिकॉर्ड करके आ रहे हैं और ब्लॉग कर रहे हैं तो हर हाल में कभी गवादर में मिट्टी उड़ रही है हवा चल रही है बारिश हो रही है तो मैं शुरू शुरू में थोड़ा सा कॉन्शियस होता था बहुत ज़्यादा कि पता नहीं लग कैसा रहा हूँ सही लग रहा हूँ नहीं लग घर में तो बंदा देख लेता है तो इस वजह से ये मैंने एक हैक निकाला था फिर वो एक, एक वही बन गई है जमाना रिंग बिरिंग दिखाइएगा ये रिंग रिंग, रिंग बहुत मशहूर है

आपको व्लाग्स का किंग बोला जाता है पाकिस्तान का पाइनियर बोला जाता है और आप उसी चीज से दूर हो गए और बीच में आपने अनाउंस किया था कि मैं अब इस फॉर्मेट से क्विट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं बस इनफ है इतना कर लिया तो ये मैं कबल वक्त नहीं कि आपको लगता है कि ये व्लॉगिंग में और बहुत कुछ है इससे पीछे क्यों उल्टे आप आ, नादिर भाई मैं ना थोड़ा सा बॉक्स फील करने लगा था और मुझे पता था सवाल आएगा तो मैं इसका जवाब आपको देने के लिए सोच के आया था कि आपको नहीं लगता होगा कुछ टाइम के बाद यार प्रैंक्स हो गए ना अब मेरे अंदर और भी बहुत सारी चीज़ों की जो मैं शायद एक्सप्लोर ही ना कर पाऊँ तो उसी आपने नया चैनल बनाया पॉडकास्ट भी हो रहे हैं ब्लॉग्स भी हो रहे हैं और नई चीज़ें होंगी तो आप अपने इवॉल्व करते हैं आप एज एन आर्टिस्ट जी अगर आप इवॉल्व नहीं करेंगे तो या तो आप खुद ही बोर हो जाएंगे या तो ऑडियंस आपसे बोर हो जाएगी लेकिन ऑडियंस की भी तो एक रिक्वायरमेंट है ना उसको भी तो मलूज खातिर रखना है कि यार वो आपको किस तरह देखना चाह रही है मुझे ये लगता था कि अगर मैं मुझे लगता था कि मेरा बैंक अकाउंट सिर्फ उतना बढ़ेगा जितनी मैं अपनी पर्सनल लाइफ दिखाने के लिए तैयार हूँ कोई प्राइवेसी नहीं है मैं अब एक कुछ चीज़ें हैं जो इंसान शेयर कर लेता है जैसे बड़ी आसान सी बात है गाड़ी ली खुशी है शेयर कर रहा हूँ कोई मसला नहीं लेकिन बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब कुछ शेयर करने का दिल नहीं चाहता पर्सनल चीज़ें हो रही हैं पर्सनल लाइफ है और हर किसी का वो अलग होता है कि उसको कितनी प्राइवेसी चाहिए तो उसके बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि यार मुझे और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे इस वजह से जाने कि यार ये इसके बीवी के साथ शॉपिंग पे चला गया या ये हो गया मैं चाहता हूँ मुझे मेरा काम फिर तो भी आप मतलब डेली व्लॉगिंग के मतलब आप फिर इसका मतलब आप हक पे नहीं है डेली व्लॉगिंग मैं डेली व्लॉगिंग के बिल्कुल हक़ में हूँ मुझे ये लगता था कि एक पॉइंट के बाद अगर मैं कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर नहीं करूँगा तो एक चीज़ जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे मुझे नफ़रत हो जाएगी तो मैंने ब्रेक लिया और उसके बाद मैंने नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट किया ट्राई किया अब अलमदुल्ल मैं एक ऐसी पोजिशन में हूँ कि मैं मैंने एक दो व्लॉग भी बनाए मैं व्लाग भी बनाता हूँ लेकिन मुझे सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ दिखानी नहीं वो मजबूरी नहीं है अब वो दोबारा से शौक बन गया मैं अब जैसे मैं फूड पे डॉक्यूमेंट कराची रोल पे डॉक्यूमेंट्री बनाई कराची में जितने इलाके हैं उनके नाम के पीछे क्या कहानी है तो अब मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ नहीं ब्रांड्स के तो खैर आप बेबी हैं और जो इंटीग्रेशन आप और जुनेद कर रहे हैं हम तो देखते ही है फिर भाई वाह वाह ऐसे होती वाहन इस पर तो मैं अप्रीशियट करूँगा वो तो है अपनी जगह लेकिन ए, क्या आपको लगता है कि कॉरपोरेट काम के अलावा भी काम आना चाहिए यस जब जब कॉरपोरेट ही हमें आवाज़ लगाए तभी काम आना चाहिए नहीं मैं इस चीज़ से बिल्कुल अब अपने आप से खुश नहीं हूँ कि लेटली मैं सिर्फ अगर स्पॉन्सर्ड है तो वीडियो आ रही है अगर स्पॉन्सर्ड नहीं है तो वीडियो नहीं आ रही तो मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा है और मुझे उसको फिक्स करना है लेकिन मुझे जो मैं जिस तरह का कंटेंट बनाता हूँ मैं उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं बना सकता तो आपको भी पता है कि अगर थोड़ा एलिमेंट है इसका मतलब नहीं ले अगर एक वीडियो में फॉर एग्जांपल अगर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है तो उसको बनाने में कम से कम एक हफ्ता लगेगा सही सही। अब मैं मैं ही शूट कर रहा हूँ मैं एडिट भी कर रहा हूँ तो अगर आप महीने में पांच वीडियो कर रहे हैं तो आप यूट्यूब रेवेन्यू से तो नहीं चल सकते जी जी बिल्कुल अनलेस के हर वीडियो पे पांच छह मिलियन व्यूज जी जी जी, जी तो है तो एक तरीके से मजबूरी भी है और फिर जब मजबूरी है तो फिर नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं इंटीग्रेट करने के नहीं नहीं सही है बिल्कुल हक है जी आपका हक है और इंटीग्रेट आप तभी कर रहे हो जब आप इंटीग्रेशन के लायक हो गए हो बात यह है ब्रांड आपको समझ रहा है तो इंटीग्रेट करा रहा है हर किसी तो नहीं करा रहा बात यह है वो तो बिल्कुल आपका हक है और आप जिस तरीके से बोलते हो मैंने एक बात मोज़िरतिन हज़रात जो इरफान के बारे में बोली थी कि कुछ लोग होते हैं कि जिनकी दिल से निकली बात दिल तक पहुंचती है अभी आप बोल रहे थे कि यार वो जो आपकी छोटी छोटी मीम्स कटती हैं उसे

नहीं मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ इसमें ये पूरी लाइन एक शायरी की तरह बन गई है और अपने पूरे वजन में आगे से पीछे से और बात ना कुछ बातें होती हैं जो ठा करके लगती हैं वो एक था ना कमर्शियल ऐसा लगा ठा करके वो मुझे याद आ रहा है कमर्शियल करता तो वो ठा करके लगी है तो बात मुंह से निकली पराई हो जाती है या आपके और मेरे ऊपर नहीं नहीं है कि कि हम बोलें यार ये ये चीज चीज ही चलेगी ये नहीं चलेगी। हाँ, ऐसा होता है ना लिखा कभी कभी तो किसी और से हेल्प ली भी लिखने में हेल्प कर दो वो नहीं वायरल हो रही बगैर सोचे समझे जो उस वक्त आ रहा था वो बोल दिया और उस पर तीन चार मिलियन व्यूज और हर जगह वो पीछे फायकुन, फायकुन लगा स्लो बीट में <laughs> <और> वो <बारे। laughs> तो ये चीज मुझे वो करती है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। अच्छा आपने बीच में मर्चेंडाइजिंग भी अपनी लॉन्च की जी जी शर्ट्स आपने बेची और जी जी। आप का इतवार बाजार में भी पथारे भी लगा दिए मुझे पता चला बहुत क्वालिटी की बेची आपने कैप्स भी नहीं अच्छा रिंग भी नहीं तो कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आ, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी ब्रांड्स पे जो रिला अभी जितना मैं रिलाई करता हूँ वो कम हो तो मैंने जब ये व्लॉगिंग के फॉर्मेट को क्विट करना डेली व्लॉगिंग के फॉर्मेट को क्विट किया था तो मैंने सोचा था कि मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा अभी तो आप थे ही नहीं खैर इरफान लेकिन भी जो भी बनाता था मतलब आप महीने में दो चार दफ़ा ही आते थे नहीं नहीं मैं उससे थोड़ा ज़्यादा आता था लेकिन डेली का देखें डेली के दो मतलब होते हैं एक डेली वो है जो आजकल बहुत इन है कि रोजाना वीडियो आई अब बाथरूम रफाए हाजत को छोड़ के सब कुछ दिखा रहे और एक डेली वो है कि जो भी मैं बनाऊंगा वो मेरा एक दिन में खत्म हो जाएगा आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि इरफान के, के नज़र और हसत मैं पहले नहीं करता था लेकिन अब करता हूं। कहते हैं ना कि ऊँट को हंडिया में ले जाती है जी तो ये चीज मैं भी कुछ यूट्यूबर्स हैं उनको बोलता हूँ जो डेली व्लॉगिंग पे हैं कि यार हर चीज़ दिखानी ज़रूरी है क्या है आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा इसमें पॉइंट ऑफ़ व्यू ये है कि देखें हर इंसान के लिए उसकी प्राइवेसी कितनी चाहिए नहीं चाहिए वो अलग होता है सही है अब मैं पहले एक बैचलर था तो मैं अपनी ज़िंदगी जुन, मेरी बैचलर लाइफ में भी कभी भी मेरी फैमिली वीडियोस मैं अपनी फैमिली दिखाने के लिए राज़ी हुई ही नहीं मुझे आम पब्लिक का ओपिनियन नहीं चाहिए मेरी वालदा के बारे में या मेरी भाभी के बारे में या मेरे इवन मर्दों के बारे में भी मुझे उनको नहीं दिखाना अब बहुत से लोग हैं यूट्यूबर्स हैं जो इसमें बहुत कंफर्टेबल हैं जैसे फैमिली आ रही है सब कुछ आ रहा है तो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है बस मेरा जो इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है शॉर्ट में वो ये है कि कुछ टाइम के बाद आप ये इस फॉर्मेट से अगर तंग आ जाएंगे तो एवोल्यूशन की स्पेस हो ये ना हो कि आपकी ज़िंदगी एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाए यार एक बात बताइएगा जितने भी यंगस्टर्स हैं आपको फॉलो करते हैं अब ज़ाहिर है उनके पास वो क्वालिटी वो प्रोडक्शन आपके उसके उनके पास नहीं है जो आप जिनको यूज़ करते हैं तो आपके नज़दीक कोई मोबाइल से या किसी भी तरीके से कोई कंटेंट बनाता है क्वालिटी कैसे लाया वो देखिए मैं पहले तो ये बोलूँगा कि मैंने जितना भी इक्विपमेंट लिया है वो सब जिससे पैसे आना शुरू हुए तो लिया अपनी जेब से पैसे इसमें नहीं लगाए इतने ज़्यादा क्योंकि मुझे पता था उसका जब तक रिटर्न नहीं है तो वो डूब सकते हैं अब मैं पाँच लाख रुपए का कैमरा ले लूँ यूट्यूब में मेरे 600 व्यूज़ आ रहे हैं तो वो फीजेबल नहीं है तो बाकी अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन में कैमराज आ रहे हैं बस आप ऑडियो का ख़्याल करें और कोशिश करें कि ज़्यादातर काम अच्छी लाइट में हों और आई थिंक एडिटिंग से बहुत गेम उठाई जा सकती है अगर आप एडिटिंग पे फोकस करें अगर बेहतर तरीके से आप स्टोरी स्ट्रक्चर कर रहे हैं अच्छा फॉन्ट यूज कर रहे हैं अच्छा म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी फ़र्क बहुत एडिट yeah. तो मैं इरफान एक बात कहता हूँ कि कच्ची सब्जी ये प्रोडक्शन जो होती है वो कच्ची सब्जी प्रोवाइड करते हैं एडिट को और एडिटर का काम है उसे पकाना वो पका के उसे जला भी सकता है वो मैारी भी पका सकता है और वो कच्ची भी छोड़ सकता है ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन एडिट कि आपका कंटेंट अब एडिट पे जाके कैसा पकेगा ठीक है लेकिन इनका प्रोडक्शंस का काम ये है कि वो सब्जी अच्छी प्रोवाइड करें गली सड़ी ना प्रोवाइड करें जी बिल्कुल। तो, आपकी क्या प्रोडक्शंस हैं प्रोडक्शंस में आजकल क्या यूज कर रहे हैं आपका हॉट फेवरेट कैमरा इस टाइम कौन सा है माइक कौन सा है ये जो डेली व्लॉगर्स हैं बेचारे और अभी मैं एक वो मैंने बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि यार आपने डेली व्लॉगर्स को मेंढक बोल दिया और वो बरसाती और ये तो मैं ये भी क्लियर कर दूँ यार एक मजाक होता है और एक उसको मजाक के ही वे में रह रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है आप लोग सब करें और सबको बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से लेकिन ए, हर बात का जवाब नहीं होता है मतलब इस चीज़ को मैं समझता हूँ आप बताइएगा कि क्या किस तरीके से वो हो मैं इसमें इस थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ये दे दूं कि अभी जितने भी पाकिस्तान में डेली लोग जिनको मैं जानता हूं डेली के वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं हाँ सही है अब हाँ. अगर कोई थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके उसमें अच्छा कैमरा लेंस माइक वाइक डाल देता है तो आई थिंक वो फिर अपने आप को अलग कर देगा बाकी सबसे कॉन्टेंट मैटर करता है लेकिन जब आपको एक चीज़ एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है तो शायद आपका और दिल चाहेगा कि यार इसको अभी फोन पे नहीं देखते हैं इसको हम टीवी पे लगा के देखेंगे फैमिली के साथ देखेंगे अच्छी क्वालिटी नजर आ रही है तो वो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा वाह 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 तो कैमरा मेरे पास है सोनी ही यूजर रूम है बीच हाँ। में इधर-उधर एक्सपेरिमेंट Sony कौन है? सा FX3 अच्छा ये कितने का है ये है तकरीबन 8-9 लाख रुपए का मतलब डॉलर की वजह मैंने इतना महंगा नहीं लिया लेकिन, लेकिन इस टाइम इतने का है और लेंसस वगैरह लेंसस मेरे पास बहुत सारी हैं सिग्मा ज्यादा प्राइम लेंसस यूज करता हूँ तो सिग्मा ही है सोनी है लेकिन जो आपका फेवरेट कौन सा है मेरा लेंस आज तक जो फेवरेट है वीडियो के लिए वो 35 एमएम mm है 35 हाँ अच्छा मेरे से पूछे यही बात आपका सत्तर दो सौ समझ आता है थोड़ा कलर्स अच्छे देता है मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि मैं आपकी मैंने तकरीबन सारी पॉडकास्ट देखी है यूट्यूबर्स के साथ तो स्पेशली देखी है किसी भी यूट्यूबर्स के साथ ये वाला टॉपिक नहीं आया मेरे साथ आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो मैं मैं अगर इतनी मेहनत करता हूँ इक्विपमेंट की बात करता हूँ तो वो सामने कन्वे भी देखिए इरफान हर किसी की एक्सपर्टीज है जी अगर व्यूवरशिप के हवाले से बात किया जाए तो शायद मैं बताऊं कि व्यूवरशिप किस तरीके से डेढ़ अरब व्यूवरशिप बताएं ना बताएं मैं एक बात कहता हूं कि एक मुस्तकिल मिजाजी एक एवरेज आदमी को भी जगह दे देती है मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस तो आपके हाथ में सिर्फ कोशिश करना है रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है अभी हम बैठे हुए ये बात कह रहे थे कि यार जिस कंटेंट को हम बोलते हैं कि ये चलेगा वो चलता नहीं है नहीं। जिस कंटेंट पे हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो धुएं धार निकल आता है तो हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है हम सिर्फ कंटेंट प्रोड्यूस करें और फेंके 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 लेकिन क्वालिटी कोशिश करें वो डिस्टर्ब ना हो क्वालिटी डिज अपने काम से आप मुतमिन तब तक नहीं होंगे जब आप अपना काम खुद पूरा ना देख लें अगर आपको लगता है कि यार बोर हो रहा है तो किसी और को भी लगेगा बोर तो आप मुझे लाइव कंसल्ट करें अभी मैं अगर एक वीडियो बनाता हूँ मुझे तकरीबन मिनिमम भी चार दिन पांच दिन दिन लगते हैं इस कंसिस्टेंसी पे मेरा चैनल भी बहुत स्लो ग्रो होगा व्यूज भी नहीं आएंगे और बहुत ही तुक्का लग गया तो कोई मैं मैं इस इस हाँ। केस में मैं, मैं तो बैलेंस कैसे लाऊं मैं इस केस में मैं समझता हूं देखिए हर किसी को एक लकड़ी से नहीं हांका जा सकता आपका जो कंटेंट है वो डिफरेंट है और वो कंटेंट मैं समझता हूँ वीवरशिप का मोहताज नहीं है ठीक है <laughs> आप ये ये ले मैं सच्ची बात बताऊँ मैं कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं समझता हूँ वो वीवरशिप की दौड़ से बाहर उनको वीवरशिप आज मुझे आप बताएं कौन सा ब्रांड आपसे बोलता है कि यार इरफान एक मिलियन व्यूज आएगा तभी हम आपको पैसे देंगे वो तो मैंने पहले दिन से वो नहीं रखा एक है। बात है हाँ। हमारे साथ भी नहीं है हाँ। बात सिर्फ ये है कि इंडोजमेंट आपकी प्रोफाइल आपका एक फेस वैल्यू वो मैटर करता है तो मैं ये समझता हूँ आप उन्हीं में से हैं कि जिन जो वीवरशिप की दौड़ से बाहर है हाँ। आपको ये वीवरशिप लाने की जरूरत नहीं है आप लोग महान लोग हैं ऊपर ऊपर के लोग हैं ये मेरे आपके सवाल का जवाब है क्या ख्याल है आप मुतमिन मैं मतम तो नहीं हूँ <laughs> लेकिन नहीं है। आपका इसके अलावा कोई जवाब बनता नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि पहले आप जब वीडियोस बनाते थे तो एडिट में कितना टाइम लगता है था और अब कितना लगता है तो लोग एक्सपेक्ट वो ये कर रहे होते हैं कि मैं बोलूँगा कि टाइम कम हुआ है लेकिन टाइम और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि वक्त के साथ इंसान नई चीज़ें सीखता है अब ऑडियो का सेटअप अलग होता है फिर कलर ग्रेडिंग का जो प्रोसेस है वो और लंबा हो गया है तो ये चीज़ें हैं जो अब मुझे कंसिस्टेंसी जो पहले अगर हफ्ते में तीन वीडियोज आ जाती थी, थी तो अब शायद दस दिन में एक आती है तो ये तो इफेक्ट तो इस वजह से ही मैं आपसे पूछ रहा था। यूट्यूबर होने पर फख्र है मुझे यूट्यूबर होने पर बहुत फख्र है सची सच कोई अगर आपको बोलता है यार वो इरफान जो ने जो जा रहा है कौन यूट्यूबर तो आपको अच्छा लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता अच्छा लगता है अभी मैं आपको बताऊँ इवेंट था एक बहुत सारे लोग थे यूट्यूबर्स में मैं था कुछ टिकटॉकर्स बहुत सारे थे तो होस्ट ने अब जाहिर है आपकी जो भी वजह शहरत है वो होस्ट उसी से बुलाएगा तो मुझे उन्होंने बोला गया उन्हों, यूट्यूबर नादिर अली और वो टिक टॉकर फला टिक टॉकर फला तो वो एतराज़ करने लग गए उन्होंने कहा नहीं यार आप हमें टिक टॉकर ना बोलें आप हमें यूट्यूबर भी बोले इंस्टाग्रामर भी बोले आप हमें ये तो मुझे ऐसा लगा कि वो उन्हें इस नाम से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है या तो ये नाम थोड़ा बदनाम हो गया है टिकटॉकर या वो कंफर्टेबल नहीं है इस नाम के साथ अगर हैं तो इंडोज करें हाँ भाई हम टिकटॉकर हैं यूट्यूबर बाद में बने चलो इतनी यहां तक तो ले आए हाँ। ठीक है लेकिन आपको फखर है आपने कहा आपको फखर है यूट्यूबर होने पे। मैं अगर टिकटॉक भी मेरी अगर वजह शहरत होता तो मुझे उस पर भी फ़खर होता फखर क्यों? होता क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा मैं जो अपलोड कर रहा हूँ उस पर मुझे फ़ख्र है या नहीं या फिर अगर सिर्फ ट्रेंड है तो मैं ट्रेंड की वजह से कर रहा हूँ मैं आप मैं आपको शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ कि मैं टिकट पे क्यों आया उससे आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा मैं पाकिस्तान में टिकटॉक देखता था मुझे अपने मतलब की चीज़ बहुत कम मिलती थी बीस दफ़ा स्वाइप किया तो शायद एक आधी वीडियो पसंद आ जाए जी मैं एक्सपो देखने दुबई गया वहाँ पे मैंने टिकटॉक खोला और आधे घंटे में मुझे पता भी नहीं चला आधा घंटा कब गुजरा उस आधे घंटे में मुझे ये पता था कि इधर की प्रॉपर्टी प्राइसेस क्या हैं फ़ैशन ट्रेंड्स क्या हैं इधर इधर कौन सा कॉन्सर्ट होने वाला है क्या चीज़ हो रही है तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया मेरा एक जानने वाला था जो टिकटॉक दुबई में ही काम करता है मैंने उनको बोला कि भाई मुझे मेरी प्रोफाइल आप मेरा यूज़र नेम मेरे पास नहीं था और वो अकाउंट डोरमेंट था मैंने बोला ये प्रोफाइल मुझे करवा दें मैं टिकट ज्वाइन करना चाहता हूँ उसके बाद अभी मैंने दो तीन टिकट पर वीडियोज़ बनाई हैं और मुझे लगता है कि टिकटॉक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जी है जी तो बाकी सारी जगहों को ग्रो करने का जी जी मैं इस पर एक बात बोलता हूँ कि मर्सिडीज़ को अनाडी ड्राइवर ठोक दे तो मर्सिडीज की गलती नहीं होती तो टिकटॉकर टिकटॉक पे लोगों ने जो धंधे खोल दिए हैं और मुझे चल रहे हैं वो चीज़ आप उसको गलत कह सकते हैं बिल्कुल लेकिन जो एक्चुअल एक ऐप एक है एक देखिए अगर आप आ, आप जब आप ऑनलाइन हैं तो आपका एक ऑनलाइन परसोना है एक ब्रांड है जी। सही है अगर आप, आप उस ब्रांड से कंफर्टेबल हैं तो अगर आपको पेप्सी है फॉर एग्जांपल नाम ले सकते हैं ले लिया आपने अच्छा आप बीप कर दीजिएगा चले पीप <laughs> कोई भी ब्रांड है हाँ वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नज़र आए बिलबोर्ड पे नजर आए टीवी पे आए यूट्यूब पे ऐड आए उसका आपको पता है कि ये ये ब्रांड है उस ब्रांड के अकॉर्डिंगली ही वो चलेगा कभी भी पेप्सी के ऐड में आपको कोई पुराने ज़माने के म्यूजिक और ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो अगर आप ऑन ब्रांड हैं हर प्लेटफॉर्म पर तो फिर तो आपको नहीं वो होना चाहिए यार इरफान YouTube पे जो ऑडियंस का आपको पता चलता है कि आपको मेल ऑडियंस ज़्यादा देख रही है फीमेल तो <laughs> <laughs> तो तो <laughs> <laughs> अच्छा लड़कियां गुजर गई लड़कियां लड़कियां अच्छा ये नहीं जानते ठीक है वहां से वही पाइप गुजर रहे हो तो आपकी क्या ऑडियंस तकरीबन सेवेंटी परसेंट मर्द हैं। अच्छा पाइप हाँ और है। बाकी खबीन थर्टी परसेंट आपकी फीमेल तो कभी ऐसा कोई लड़की का फीमेल फैन का कोई ऐसा वाकया जो बहुत यादगार हो गया हो कोई मॉल में कोई चिपक गई हो गले लगा लिया हो किस कर ली हो या कोई ऐसा वाकया कुछ शेयर करना चाहे ऐसा कोई वाकया ऑर्डनरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो खा, खातून का नहीं हुआ है लेकिन मर्द हजरात के एक मर्दी कर ली नहीं पप्पी नहीं मतलब नहीं। अच्छा नहीं हाँ। बात काफी अजीब भी हुए हैं अजीब अक्सर लोग जब आपसे मिलते हैं तो वो थोड़े से ना हाइपर हो जाते हैं उनको समझ में नहीं आता बोलें क्या बोलें क्या तो अक्सर लोगों ने अपनी एक्साइटमेंट में मुंह पे की है वीडियो में तो आप बड़े पतले लगते हैं यहाँ तो बड़े अजीब से अजीब सी बात है मुझे अबे, अबे मुंह पे बोल, बोल रहा है ख्याल कर मुंह समझ रहा है अभी भी कोई क्लिप अच्छा ए, एक तो ऑडियंस को ये मैं खैर मुद्दमाना रिक्वेस्ट है आप लोगों से नाराज नहीं होइएगा है आप लोग शायद समझते हैं हम अगर रहे हैं तो हमारा हर वक़्त एक ही मूड है यार कोई मेरे से यकीन करे जनाजों में लोगों ने ना कंधा लतीफा में कबर में लतीफा मतलब हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज को हमेशा कंसिडर किया जाता है सोसाइटी में आपने एक बात बोली थी सॉरी हाँ। मैं आपकी बात काट रहा हूँ मेरे आपने ये बात बोली थी फवाद खान सेलिब्रिटी है मैं इरफान भाई हूँ मतलब मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है ये बहुत अच्छी बात थी आपकी कई कई जगह मैंने भी ये बात कोर्ट की है कि ऐसा ही है क्योंकि बाहर हम निकलते हैं तो हम नादिर भाई हैं नादिर भाई, नाधिर भाई ये, मैं, तो आ, वो ऐसा फैमिली वाला माहौल लगता है खान है एक स्टैंड कमीडियन उनकी जी. एक लाइन है कि जितने भी सेलिब्रिटीज है ना मैं अपने आप को सेलिब्रिटी अगर मुझे कोई इंट्रोड्यूस कर तो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि सेलिब्रिटी होता है जिसके पी मैनेजर होता है और उनकी एक स्टाइलिस्ट होती हैं पब्लिसिस्ट होती हैं वो टी वी आते हैं उनका आप जब किसी यूट्यूबर को देखते हैं या इंटरनेट क्रिएटर को देखते हैं तो आप अकेले फ़ोन पे देखते हैं जी उनसे आप इंटरैक्ट भी कर रहे हैं वो कनेक्शन इस चीज़ पे बिल्ड होता है कि ये हमारे जैसा है वाह तो इस वजह से मुझे लगता है कि एक सेलिब्रिटी का वो लेवल ऑफ इंटरेक्शन वो कनेक्शन नहीं बन सकता वो कनेक्शन सिर्फ ये बनता है कि यार एक दिन मैं ऐसा हूँ इंटरनेट क्रिएटर का ये होता है कि ये मेरे जैसा है अभी और अगर ये कर सकता, कर सकता है, है तो मैं भी, भी कर सकता कर सकता और आपने जाकिर का नाम लिया तो मैं इस कैमरे के सामने जाकिर को बोलना चाहूँगा जाकिर अगर आप देख रहे हैं तो वेल डन बहुत अच्छा कर रहे हैं आप और मैंने एक जुमला बोला था इरफान कि पाकिस्तान और इंडिया की तारीख़ में कभी खूबसूरत कॉमेडियन हिट नहीं हुआ तो जाकिर तुम बहुत हिट हो गए हो भाई अल्लाह तो खुश रखे और एक चीज़ और ये भी याद रखिएगा शायर कॉमेडियन और अल्लाह आपका भला ये दोनों जितने बदसूरत हो ना उतने हिट होते हैं ये चीज़ है अजीब सी बात है क्या ख्याल है होगा होगा मैं यार मजाक कर रहा हूँ भाई ज़ाकिर आप बहुत अच्छे हो असल में देखें मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब होती है आप माशाल्लाह बहुत मालदार हो बहुत रिच हो आपसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई है नहीं क्या ख्याल है? है कोई ये जो शादी हुई है इरफान ये आपकी पसंद की लव मैरिज थी या रेंज थी या क्या है या कोई ये आपको पसंद ए, की शादी है पसंद की शादी है जी, कोई इंटरनेट पे ही कोई फीडबैक नहीं आया नहीं इंटरनेट पे अगर इंटरनेट पे होता ना तो मुझे ऐसा लगता कि अब मेरी पर्सनैलिटी है कि मैं ना बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता तो अगर इंटरनेट से होता तो मुझे आज तक यही लग रहा होता कि ये तो फेम देख के आई होगी ये मैं फेमस हो गया इसलिए शायद इसने मुझे नहीं यार ये वैसे ऐसा नहीं है मैं अपना मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं मैं अपना बताऊँ मेरी वाली तो इंटरनेट आप कवर कर लें अपना <laughs> के नहीं नहीं <laughs> <laughs> अब मैंने तो कर दी है असल में मैं 2015 या 16 में मुझे फीडबैक आया है एक रियाज से एक लड़की का कि आर यू आर डूइंग नाइस और हम हंसते हैं और फैमिली बहुत हंसती है और मैं ठीक है ओके बहुत शुक्रिया और ये आप कौन कहाँ से फ्रॉम रियाज सऊदिया अच्छा पाकिस्तानी हाँ पाकिस्तान से हमारी ख़ानदान है लेकिन हम शुरू से रियाद में रह रहे हैं मेरी पैदाइश भी वहीं की है अब ब्रिंगिंग भी वहीं हुई है सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी वहीं मैंने अच्छा अच्छा चलो गोल्ड कभी पाकिस्तान आए तो ये वो मैंने कहा तस्वीर दिखाओगे अपने माँ तक खा भी जली है। उसने कहा एक्सक्यूज़ एक्सक्यूज़मी जब तस्वीर वाली बात आई तो एक्सक्यूज मी मैं कहा nee, नहीं है प्लीज़ आप ठरकी नहीं समझिएगा वही ऐसे मैंने कहा जरा मैं बात किससे कर रहा हूँ और वो होती गई होती गई होती गई लड़ी बनती गई बनती गई आज वो आपकी भाभी है <laughs> आज वो आपकी है जो आपकी भाभी और लल्ले की आप वो वो बात बात दे रहे हैं उसका अम्मा हाँ। <laughs> क्या अजीब सी है ना हाँ। कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पे बनते सेटिंग जमीन पे होती है और ज्यादातर यूट्यूब का जिस की भी शादी की कहानी मुझे पता है नाइनटी परसेंट का यही कैस है इरफान सोशल इश्यूज पे व्लॉग कभी बनाया हो मैंने हाँ काफी बनाया अभी रिसेंटली बना क्लाइमेट चेंज पे अच्छा कैसा एक्सपीरियंस रहता है एक्सपीरियंस वहाँ तक बहुत अच्छा है जहाँ तक आप किसी की दुम पे पैर ना रखें उड़ता तीर वाली बात मैंने जो आपको कही थी जी कि आप ट्वीट कर देते थे काफी सोशल इश्यूज़ ऐसे होते हैं देखे क्लाइमेट चेंज से तो कोई डिसी नहीं करेगा करेगा भी सही है तो आपको डेथ थ्रेट नहीं देगा लेकिन अगर आप किसी की कि, कोई ऐसे इशू पे बात करते हैं जिसका इनडायरेक्टली उसकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी या उसका लीडर या आपको डेथ थ्रेट्स हैं हाँ, हाँ, दो है। तीन दफ़ा दफ़ा किस टॉपिक पे एक एक आई थी पॉलिटिकल पार्टी का जलसा था जिसमें बहुत तोड़फोड़ हो गई थी तो उसके अगेंस्ट आई थी मुझे कि तुम अपना काम से काम रखो आपने उस पर लपकुशाई कर दी थी जी इजहार ख्याल कर दिया था मैंने सही है तो इस तरह के दो तीन वाकत हुए हैं उसके बाद मैंने तोबा कर लिया कि भाई मुझे स्पेशली शादी के शादी से पहले तो इंसान बस थोड़ा दिलेर होता है अब फिर उसके बाद इंसान फैमिली का भी सोचता है तो मैं बोला भाई मेरे कान को हाथ लगा लिया मैंने मैं चुप सही हूँ अपना काम करूँगा वीडियोज़ बनाऊँगा पैसे बनाऊँगा अपनी फैमिली को कम्फर्टेबल लाइफ दूंगा मुल्क अगर मेरे बोलने से कुछ सुधरना होता है तो और बहुत लोग बोल चुके हैं सही कुछ बात नहीं बदला सही बात है असल में बात यह है मैं एक बात कहता हूँ इरफान कि जो बच्चा अपने बाप को बाइक की टंकी पे बैठ के वायलेशन करते हुए देखे क्या वो बड़ा हो के ट्रैफिक की पासदारी करेगा यार नादिर भाई ये बहुत ही लंबा टॉपिक है और बहुत लंबी निकल जाएगी बात मैं तो देखें तीस का हो गया हूँ मैं तो जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें आधी जिंदगी तो गुजार ली मैंने तो अब मुझे अब जैसे मैं अभी टर्की से आया हूँ मुझे एक बात अचानक से क्लिक हुई टर्की में बहुत दफ़ा गया हूँ पहले उससे पहले नहीं हुई कि और जिससे मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि मेरी ज़िंदगी में मैं कभी भी कराची को एक बड़ा शहर बनते हुए नहीं देखूँगा और मुझे कराची से बहुत ज़्यादा प्यार है इसी वजह से मैं कराची के ऊपर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ लेकिन कराची को अपनी लाइफ में मैं शायद कभी भी इस्तांबुल लंदन ये जकार्ता टाइप शहर नहीं बनता हुआ देखूंगा तो इस बात का तो मुझे अफसोस है और मेरी जिंदगी गुजर गई अब मैं ये सोचूं कि भाई मैं अपनी फैमिली को क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ अल्लाह करे आपकी ये बात गलत साबित हो मैं भी दुआ करता हूँ गलत बिल्कुल सही है लेकिन ये एक वो है कड़वा सच है ये कड़वा सच है बात यह है कि कोई एक किलोमीटर का रोड सीधा नहीं है यहाँ फिर उसके बाद स्ट्रीट क्राइम स्ट्रीट क्राइम पे मैं आऊँगा क्योंकि आप आउटडोर भी ब्लॉग्स वगैरह भी करते हैं कोई ऐसा हादसा कोई ऐसा वाक़ कोई स्नैचिंग हो गई हो इक्विपमेंट छीन के ले गए हो या कोई गिर गए हो कैमरा टूट गया हो कोई ऐसा वाकया ड्रोन घूम गया हो उड़ के कहाँ माइक ढूंढ भाग रहा है। नहीं <laughs> तो अल्लाह का शुक्र है स्नैचिंग तो आज तक नहीं हुई नहीं हुई और उसके बारे में मैं तो उसमें नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, तो उस कोशिश करता लेकिन अगर कोई नॉर्मल वीडियो है अकेला हूं मैं गाड़ी में आप रखते हैं नहीं पिस्टल नहीं अच्छा तो आपने देखा अपनी हिफाजत के लिए तो हथियार रखना सुनना था मतलब मैं इस पर डिसग्री नहीं करता लेकिन अभी तक वो ख्याल आया नहीं कि रखना चाहिए आप रखना चाहिए कराची के वासी है भाई आप <laughs> क्या सोच रहे हैं आप यहाँ पे तो लोग थप्पड़ मार के मोबाइल ले जाते हैं ऐसे ऐसे वाकियात हैं नहीं बिल्कुल मैं कंसिडर ये कर रहा हूँ मेरे तकरीबन पहले अगर दो दोस्तों के पास होता था तो अब तकरीबन नाइन्टी दोस्तों के पास है लेकिन बस ये डर है जो लगा रहता है हमेशा अगर कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो होती है तो उसमें तो उसका बजट भी मैं अलग से एलोकेट करता हूँ कि इसमें हम दो दिन शूट कर रहे हैं तो दो दिन हम एक गार्ड हायर करेंगे हमारे साथ रहेगा लेकिन अगर आप नॉर्मल ऐसे अपने कोई ट्रैवल वीडियो बना रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं तो उसमें मैं थोड़ा डर लगता है और इस तरह का को कोई कोई वाकई टूट को गया हो कैमरा या कोई ऐसा एक दफ़ा मैं लाहौर में लाहौर एक्सपो सेंटर में मैंने अपना ड्रोन मार दिया था एक्सपो सेंटर की दीवार में तो बड़ा दुख हुआ था पहली दफ़ा जब आपका ड्रोन क्रैश होता है ना तो आपके दिल से डर निकल जाता है वो गाड़ी जिस तरह आप ठोकते हैं पहली दफ़ा तो वो इतना महंगा ड्रोन नहीं था वीडियो भी थी तो मैंने बोला चलो एक प्रोडक्शन कॉस्ट के तौर पे इसको कंसिडर कर लेंगे लेकिन एक मुझे भी वाकिया ड्रोन से याद आ रहा है जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तो मैं एक टॉय शॉप में सेल्समैन था जी तो ड्रोन छोटे होते ना टॉय ग्रेड हालांकि मेरा सेट भी साथ ही खड़ा हुआ था हाँ। उन्होंने एक कस्टमर को कहा कि कस्टमर को दिखाओ ड्रोन उड़ा के तो मैंने उसकी शलवार के अंदर से <laughs> साइड में <laughs> और यूपीचर में वो बोला है भाई क्या कर कर <laughs> मैंने कहा आई एम सॉरी मेरे को चलाना नहीं आता ये शलवार के अंदर मैंने नहीं किया आपकी तो ऐसा वाक्य हाँ। <laughs> मुझे भी याद है ये ड्रोन का हो जाता है गड़बड़ जी और इस, मैं जब बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा था ज़्यादा कोई ब्रांड्स भी नहीं थे तो मेरे पास एक मैंने नया ट्राई आपने देखा होगा के पास एक पॉड होता है जो किसी भी डायरेक्शन में बैंड हो जाता है पॉड वो मेरे पास था और वो मैंने चेंज किया था तो नया वाला जो था उसके ऊपर कैमरा लगाने का मैकेनिज्म में स्क्रू था पिछले वाला क्लिक होके लगता था तो मुझे याद नहीं था तो मैं गवादर में एक कश्ती से दूसरी में जा रहा था कैमरा मैंने लगाया एक कश्ती से दूसरी में कदम रखा कैमरा यूँ हुआ वो गया गवादर पोर्ट के अंदर नहीं करे पानी में हाँ कैमरा कैमरा लेंस लेंस सब सब गया माइक सिर्फ हाथ में तो <laughs> चुआ सेवेंटी वो जो पतली टंकी होती थी हमारे अब्बा बिल्कुल सजा के ना मैकेनिक से बिल्कुल डीजल का कपड़ा लगा हुआ चमक रही है और ये आए तो हमने देखा कि यार माशाल्लाह बाइक चमक रही है तो मैंने साफ बाइक को कपड़े से साफ करने लग गया अब वो साफ करते करते मुझसे बाइक गिर गई और तीन एंडिकेटर टूट गए अब अब्बा अब को बड़ा गुस्सा है अब्बा नीचे आए ना चलते हुए अब वो गाड़ी देख रहे है, और मेरे हाथ में कपड़ा तो एक एंडिकेटर जो बचा था ना अब्बा अब अब वो तोड़े बचा है भाग गया वहां पर अब ये मारे गए तो वो पॉट रह गया आपके और वो अंदर डुबकी भी नहीं लगाई आपने नहीं तैरना आता नहीं है और रात का टाइम नहीं नहीं आप तैरना नहीं आप अंदर रहे दो-तीन घंटे बाद ऊपर आ जाएंगे आप <laughs> लाश ऊपर आ जाती है भाई मैंने वो मुझे सीन पूरा याद है फिल्म वाला सीन था माइक के पीछे लाइट जल रही होती है वो अचानक अचानक नीचे जा रही है बिल्कुल और वो नीचे जाके गायब हो गई वहां पे सारी चलो अंदर मछली होगी फोटोग्राफी हो जाएगी नहीं आप मछली आगे हैप्पी एंडिंग है हां आगे क्या वो मेरे साथ जो थे जो मुझे गवादर जिन्होंने इनवाइट किया था उनकी काफ़ी जान पहचान थी उन्होंने डाइवर्स मंगवाए डाइवर्स आए रात के टाइम और उस पोर्ट में कश्तियों का तेल वगैरह होता है तो विजिबिलिटी ज़ीरो तो वो गए ज़्यादा जाद, डीप नहीं होगा कोई पंद्रह बीस मीटर होगा वहाँ पर वो कै क्या, कैमरा उठा के ले आए अब सी वाटर में कैमरा गया तो बचने का तो कोई इम्कान नहीं है लेकिन फुटेज अभी तक मैंने कॉपी नहीं की थी तो वो मैंने कार्ड निकाला उसमें से उसको ड्राई किया फुटेज को एक कार्ड रीड हो गया हो गया फुटेज कॉपी हो गई गवादा रैली वो वीडियो मेरे चैनल पे अच्छा अच्छा उसके अच्छा। बाद कार्ड इजेक्ट किया दोबारा डाला और आज तक वो कार्ड नहीं चला तो वो वीडियो जो है वो कोई मुआवजा है और कैमरा गये कुछ नहीं बचा कैमरा नहीं बचा नहीं नहीं वो समंदर के वो, खारे पानी में गया तो बस कहाँ बचेगा इनके कोई कवर्स वगैरह भी आते हैं कैमरे के ये जो आते तो हैं लेकिन वो फिर वाटर प्रूफ कैरी करने के काबिल नहीं बचेगा वो भी बहुत बड़ा हैवी कवर होता है वो फिर अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए ही होता है तैरना सीखेंगे तो बोलेंगे <laughs> हौड़ा नहीं, 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 ले जाओ हौड़ा कि मनोड़ा जो चलते ना होड़े हाँ। वो ले जाए उसमें फिर वो गिलते रहते हैं और ये तो वो वो खतरनाक है ये पानी वाला एक्सपीरियंस भी बड़ा खतरनाक है अच्छा अभी आप टर्की भी गए दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं आपने व्लॉग्स भी बनाए सबसे ज्यादा कहाँ पर इंजॉय किया व्लाग में बाहर ममालिक मैंने इन्जॉय तो हर जगह किया है मैं मुझे टर्की ज़्यादा पसंद है बार बार जाता हूँ अगर पसंद होने की वजह पसंद होने की बहुत सारी वजूहत हैं एक तो यह है कि खाना हलाल ढूंढना नहीं पड़ता थोड़ा सा बोर मुल्क है वो मुझे बहुत पसंद है टर्की थैंड टू थाईलैंड बताइएगा मैं थाईलैंड एक ही दफ़ा गया हूँ और मुझे कोई खास पसंद नहीं आया वो अच्छा मतलब रश गर्मी यही हमारे थाईलैंड में बैंकॉक बैंकॉक हाँ फुकट गए थे नहीं थाईलैंड नहीं गया <laughs> हाँ तो मुझे इस्तुल फोटोग्राफी के हवाले से भी बहुत पसंद है नहीं इसमें तो कोई दो राय नहीं है उई हुई 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 जो तस्वीरें आती हैं आपके भाई की जो तस्वीरें आई है ब्लू बॉक्स के आगे रेड कलर का बद्दा खड़ा हुआ करके ना और अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है हम फिर वो जाहिर है फिर कपड़े भी लेके गए थे और तो फोटोग्राफी के हिसाब से तो टर्की मैं समझता हूँ वेरी गुड इसमें कोई दो राय नहीं और सऊदिया अभी तक जाना हुआ उमरे पे मैं उम्र कर चुका हूँ अलहमदिल्ला लेकिन यूट्यूब के ज़माने से पहले अच्छा यूट्यूब की पैदाइश से पहले लेकिन आप अब जाएं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कवर करने की है वहाँ की प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों को आ, नहीं है लोगों की मामला मालूम तो मैं समझता हूँ आपको जाना चाहिए और आपको वहाँ पे उसको पूरा उस अरब को कवर करना चाहिए मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि जहाँ भी कोई रिलीजियस बात आती है ना तो हमारे सोसाइटी में वो बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है अब उसकी छोटी सी मिसाल ये है कि दो यूट्यूबर्स हैं मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा एक्चुअल दो यूट्यूबर्स हैं एक उम्रगढ़ करने गया उसने व्लॉग्स बनाए उसको बेतहाशा गालियाँ पड़ी कि यहाँ पर तो कैमरा छोड़ दे दूसरा यूट्यूबर है उसने हज के ब्लॉग्स बनाए और लोग वाह वाह तारीफ़ें ये वो तो आपको पता नहीं है कि किस चीज़ पे आवाम भड़क जाएगी नहीं नहीं इस चीज़ पे नहीं आप आप नेक नीयती के साथ आपका मकसद जो है वो रहनुमाई है और ज़रूरी नहीं है कि आप ड्यूरिंग उमरा ही करें इसके अलावा भी जब आप जैसे वहाँ की आप फूड को भी व्लॉग अलबैक है जो और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ पे उनको आप कवर कर सकते हैं और डिफरेंट ज्यारतें हैं उन्हें तो आप कवर कर सकते हैं उसमें तो वो तो नफली इबादतें हैं वहाँ पे तो आप कर सकते हैं मेरा मेरा इरादा पूरा है आप गारे हीरा पे चढ़ जाएं और गारे हीरा का कितना ज़बरदस्त व्लॉग बनेगा गारे हीरा चढ़ते हुए और पूरा एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं हाइकिंग हो रही है और फिर वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पहली वही आई थी मैं समझता हूँ इरफान जो ने जो ये आपको आवाम पसंद करेगी मार्क माइवर्ट मैं बिल्कुल इस ये मेरा प्लान है करने का लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं उम्र करूँ तो उम्र किए हुए मुझे तकरीबन बारह साल हो गए अगर मैं उम्र करूँ तो उम्र करते वक्त मैं कैमरा को हाथ भी नहीं लगाऊँ बिल्कुल लैक बिल्कुल लैक्री हाँ, बिल्कुल सही है। उसके अलावा जितनी भी ज्यारतें वगैरह हैं वो जी मैं जी जिस, जी। जिस तरह मैं खुद भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो वो एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट हो सकता है नहीं बिल्कुल बनता है बिल्कुल बनता है बिल्कुल बनता है यूट्यूब अर्निंग पे फिर आप रिलाई नहीं करते आप ब्रांड अर्निंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है वरना मैं अगर अगर मैं हफ्ते में चार पाँच वीडियो नहीं डाल रहा हूँ तो मैं यूट्यूब पर रिलाई नहीं कर सकता और ब्रेड एंड बटर आपका यही है मेरा यही था कुछ टाइम तक उसके बाद मैंने ये समझा जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है कि एक इंसान एक हद तक रे, रेलिवेंट रहता है भले आप अपने काम में एवोल्यूशन लाते रहें लेकिन लोग आपको भूल जाएंगे। मुझे फिर भी उतना ही मज़ा आएगा शायद 45 की उम्र में भी उतना ही मज़ा आएगा लेकिन लोग शायद नए लोगों को देखेंगे तो उसके बाद मैंने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया एक दो बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया क्रिप्टो में बहुत टाइम लगाया पड़ा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कि ये डाइवर्सिफाई हो एक दो जगह थोड़ा बहुत किया भी है तो लेकिन मेन चंक जो है वो अभी यूट्यूब ही है कोई फिल्म कोई फीचर फिल्म इन फ्यूचर कोई ऑन कैमरा आने का इरादा कोई हीरो विलन कोई कैमरा हीरो और विलन का अजीब मामला है किसी हाँ. ने पूछा कि यार आपने हीरो बनना है या विलन का मैं विलन बोला बोला विलन मैं बनूंगा बोला बोला वजह पूरे फिल्म में ना मजे लूटता है <laughs> और जब हीरो लेकिन अभी जिस होर्डिंग की आप बात भी कर रहे हैं उसके साथ हुआ था टीवीसी में जो मेरा पार्ट था वो मुझसे नहीं हुआ उन्होंने बोला भाई तू कैमरे में देख के मुंह हिला ले बस से एक्टिंग नहीं होगी तो मैं अगर इसका मुझे बहुत दफा सवाल हुआ है मैं यही चाहूँगा कि मैं बनाऊँ कर लूँ या रादर देन एक्टिंग करूँ या नहीं नहीं वही बात है ना जिस गांव जाना नहीं वहाँ का रास्ता क्या पूछना यह बात हकीकत है मुझसे मुझे भी बहुत बीच में कॉल्स वगैरह आई इसी एक्टिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से तो मैंने माजरत की सबको तो वो हुँ. बोल रहे थे यार आप तो हमें कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे मैंने कहा लिफ्ट कराने की बात नहीं है बात यह है ये मेरा मेरी डोमेन नहीं है मुझे नहीं आती आप मुझे और कोई चीज़ बोलते तो शायद मैं सोचता लेकिन ये एक्टिंग से मैं भागता हूँ hmm. मैं एक, एक्टर को बहुत ऊपर रैंक करता हूँ hmm. मैं समझता हूँ एक्टर ये सिंगर डांसर कॉमेडियन ये सब एक्टर के ग़ुलाम है hmm. वजह इसकी है सिंगर एक्टर के लिए गाता है डांसर कोरोग्राफ करता है एक्टर के लिए hmm. फिर कॉमेडियन भी एक्ट करता है एक्टर फिल्म में एक्टर जो होता है ना hmm. वो बॉस होता है ठीक है जी और डायरेक्टर इज कैप्टन ऑफ द शिप तो आप डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो डेफिनेटली मैं डायरेक्शन की तरफ पाकिस्तान में डायरेक्शन में जैसे अहसन रहीम है जी। और अल्लाह आपका भला करे नाम लीजिएगा और ए, जामी साहब है जी। और और एक दो नाम असदुल्लाह हैं उमर अनवर हैं जी और वो शु मंसूर साहब हैं ठीक है सैयद नूर साहब हैं आप किससे इंस्पायर हैं काम में मैं बचपन से ही जामी भाई से इंस्पायर्ड हूँ एक... <laughs> या। आप साइकिल पे घूम रहे हैं यार <laughs> कर... साइकिल भी कोई पच्चीस तीस लाख साइकिल भी पच्चीस तीस लाख लेकिन अब असल में हम तो वही समझ रहे हैं ना वो बायोमैक्स वाली वो शराब साइकिल वो जो होती थी वो क्या होती थी एक तो वो साइकिल भी होती थी याद है शिमानो पच्चीस सौ रुपए की अच्छी मिल जाती थी आपको आपके मार्केट पर लेकिन वो वाली साइकिल मुझे पता है एक दफा मैं एमस्टरडेम गया उसको तो सिटी ऑफ साइकिल्स कहा जाता है और अजीब सी बात है खुतिन जिन्होंने गाड़ियाँ मनाई हैं गोरों ने वो साइकिलों पे चले गए और हम यहाँ पे लोहे के डब्बे में बैठ के घूम रहे हैं तो इस पर बताए या फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं मैं कोशिश करता हूँ कि फिजिकल फुटबॉल कोशिश करता हूँ ऑन एंड ऑफ खेलता रहूँ जिम की बहुत कोशिश की लेकिन जिम नहीं हो पाता जिम इसलिए नहीं हो पाता मैं आपके दिमाग समझ गया हूँ कि तो दूसरे को पैसे भी दो उसका लोहा भी उठाओ हाँ ये मतलब, तो अजीब बात है मतलब मुझसे आ, अगर ऐसे फुटबॉल का मुझे शौक़ है मैं स्टेट लेवल फ़ुटबॉल खेला हुआ भी हूँ तो फुटबॉल में इंजॉयमेंट भी हो रही है और एक चीज़ है जिसको एक्चुअली इन्जॉय करते हैं और साथ साथ कैलरीज भी बर्न हो रही हैं तो वो हो जाती है आप बीच में एक फुटबॉलर से भी मिले थे जी रोनल्डो हाँ रोनाडो का जो कज़न है रोनाल्डिनो। हाँ हाँ तो वो उसका एक्सपीरियंस बताएँ वो क्या मामला है अच्छा तो मैं और मेरे को तो वो आप खैर मैं इतना फुटबॉल नहीं वो हूँ नहीं, उसका नहीं। लेकिन मुझे लगा कोई डब्ल्यू डब्ल्यू के रेसलर के साथ खड़े <laughs> तो काला वो 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 जो आता था जी जी जी।, जी। वो वो है कि कोई चीज लगी थी मुझे समझ तो रहे बात को खैर वो बहुत बड़ा फुटबॉलर है मैंने मैं, जब इंस्टाग्राम पर आज कल के जनरेशन के लिए रोनाडो या मेसी होंगे मेरी जनरेशन के लिए मेरे लिए तो रोनाडीनियो था अच्छा अच्छा तो मेरे लिए तो ऐसा था कि मैं अपने हीरो से मिल रहा हूँ सही है और हीरो भी इंग्लिश नहीं अच्छा। मिला अच्छा। बिल, <laughs> मेरे लिए बस ये बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े बड़े तो प्लेयर मुलाकात कैसे हुई इरफान बताए आ रहे थे पाकिस्तान और उसकी जो स्पॉन्सर थी वो मोबाइल कंपनी थी मुझे यूट्यूब किए हुए स्टार्ट किए हुए छ महीने हुए थे कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स मैंने नहीं किए थे तो वो एक मेरा पहला बड़ा प्रोजेक्ट था उन्होंने मुझे बोला कि आपको हम दुबई भेजेंगे वहाँ से आप उनके साथ प्राइवेट जेट में वापस कराची आएंगे तो और लाहौर जाएंगे फिर कराची आएंगे तो ये पूरा सीन था मैं उनके साथ था एक यहाँ पे पहुँचे तो फिर अलग ही जो प्लान किया था वो नहीं हो पाया अलग ही सीन हो गया कि फिर लोगों की सिफारिशें लगने लगी कि ये इनके बच्चों से मिल रहे हैं ये, ये कहां रुके हुए थे ये ये इस्लामाबाद में सेरीना में रुके थे यहाँ पे आवारी में रुके थे कराची में अच्छा 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 तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं अपने बच्चों को मिलवाने इसकी पर्चियाँ लग रही हैं तो मेरे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर को उन्होंने पीछे कर दिया कि टाइम होगा तो मिला देंगे तो फिर बड़ी मुश्किल इंतजार किया आपका स्टार्ट था जी आधा पौना घंटा आधा तो नहीं खैर डेढ़ घंटा वेट किया लॉबी में फिर रोनाल्डिनियो भाई अपने कमरे से निकल के कहीं जा रहे थे तो वहाँ वॉशरूम जा, <laughs> जा रहे थे जी नहीं नहीं कमरे में में था था मुझे पता चला पानी आ रहा उनके रूम कहीं और लोटा लेके जा रहे थे खैर बताइएगा तो बस उनसे मिला लेकिन बाकी बहुत बड़े रोनाल्डिनियो तो एक क्योंकि वो बड़ा स्टार था लेकिन उनके साथ और भी दो तीन प्लेयर्स थे जिनको मैं बचपन में देखते हुए बड़ा हुआ हूँ रॉबर्ट पेरेस था रैन गिग्स था ये बड़े लेजेंड प्लेयर्स हैं और इन मतलब मेरे लिए तो अभी भी मुझे यकीन नहीं आता कि एक बंदा जो आर्सनल का लेजेंड है उससे मैंने मेरे उस वक्त सब्सक्राइबर होंगे कोई पाँच हज़ार ओ हज़ार सब्सक्राइबर मैंने उससे बुलवाया भाई बोल सीन्स कुछ ऐसे अच्छा <laughs> उसने बोला <laughs> तो मुझे अभी भी वो थोड़ा अनरियल लगता है अच्छा आपका ये भी एक लाइन जो सिग्नेचर लाइन है सीन्स कुछ ऐसे हैं ये बड़े मशहूर हो गए हाँ। अक्सर जबान ज़दे आम हो जाते हैं लोगों के यार सीन्स कुछ ऐसे हाँ। तो ये कैसे आई दिमाग में या किसी की सुनी आपने ये दिमाग में मतलब मुझे ना मैंने स्नैपचैट से मुझे झिझक होती थी कैमरा पे बात करने में तो मैंने स्नैपचैट स्टोरीज बनाना शुरू की थी तो जब भी मैं दूसरों की स्नैपचैट स्टोरीज देखता था वो शुरू करते थे हे गाइस से अब हे hey गाइस वाले तो मैं हूँ नहीं।, नहीं सही है एंटर किया है मैंने बोर्ड से <laughs> तो हे hey गाइस वो फ्लो में निकलता नहीं था तो मैंने बोला यार कुछ इसका मैं क्या बोलूँ तो मैं नेचुरली फ़्लो में निकल जाता है सीन्स को जैसे मुझे कभी भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये हो जाएगी कैची तो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बोला कि ये जूते रखे हैं और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी इनको हम साफ़ करना है ये वो तो वो लोगों ने कमेंट में लिखना शुरू कर दिया तो मैंने बोला चलो ये चल रहा है तो आप इसी को चलाते हैं नहीं नहीं होती हाँ। है वही बात है ना देखो इरफान हाँ। मुझ से बात निकली पढ़ाई हाँ। तो वही वाली बात है कि आपकी बात लोगों तक पहुँच गई है और अगेन बेस्ट विशेज दूंगा मैं आपको इन फ्यूचर जो भी आपके जी तमाम ही प्रोजेक्ट्स हों

मुझे ये बराबर कर दीजिएगा किसी दिन <laughs> और मैं समझता हूँ कि पॉडकास्ट के फॉर्मेट पे आपको आना चाहिए ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है आपको आना चाहिए क्योंकि आप जिस तरीके से आप कंडक्ट करेंगे ना इसको वो डिफरेंट होगा मैं तो हम सब ये जुनेद उनेद हम हम सब फारिक हो जाएंगे आप मैं कंसिडर डेफिनेटली करूंगा लेकिन मुझे कोफ इस चीज़ से होती है कि गेस्ट जो काले पीले ना उठाने पड़े हर हफ्ते आपको नया गेस्ट चाहिए नया गेस्ट चाहिए बिल्कुल ये है लेकिन वही वाली बात है कि ए, स्टार्ट किया जाए तो अल्लाह ताला तामला बना देता है रास्ते बना देता है तो आज देखें ना मैंने कोई चालीसवीं इकतालीसवीं पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं जी। तो मैं जब प्रैंक्स के फॉर्मेट से हट रहा था तो इरफान मैं यही सोच रहा था कि मैं कौन से फॉर्मेट पे जाऊँ क्योंकि एक बंदा जो ऑलरेडी एक जगह प्रूव कर चुका है अब दूसरे पे अगर पिटता है वो तो बहुत बुरा लगता है ना तो ये वाला पॉडकास्ट का फॉर्मेट मुझे समझ में आया मैंने कहा यार इसमें हाथ धोते हैं बेहती गंगा में और खैर अवाम ने हाथों हाथ लिया बहुत शुक्रिया इरफान थैंक यू सो मच फॉर कमिंग महजूस खुवानों हजरा ये थे अपना इरफान जुनेजो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इरफान जुनेजो का चैनल सब्सक्राइब करें वटाफट और मुझे और इरफान जुनेजो को इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ और इस यकीन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह अल्लाफ़